कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया बेटा, कुछ तो खा लो। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बेटा वो आ जाएगा वापस, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ उसे गए हुए कितने दिन हो गए, कब आएगा वो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। पता नहीं कब आएगा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, आप ही लोग खा लें। हम लोग तुम्हारे बिना कैसे खा सकते हैं, हमें कुछ नहीं खाना, जब तुम खाओगी तभी हम भी खा लेंगे। नहीं माँ ऐसे ना करें, आप लोग खा लें, वो जब आएगा तब मैं भी खा लूंगी। ये कोई बात नहीं हुई? नहीं माँ मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या हुआ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आइए आप भी सुनिए अपनी बेटी की बात, ये क्या कह रही है? मैं कुछ नहीं कह रही पापा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलो, तुम्हें खाने का मन क्यों नहीं है? आपको तो पता ही है, क्यों पूछ रहे हैं उससे ये बात? पापा जब वो आ जाएगा तो मैं खा लूंगी। नहीं बेटा चलो अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ। हाँ बेटा हमारे साथ खाना खाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ जाके गोलू को ढूंढ लाएंगे। सच में पापा आप मेरे साथ चलेंगे? क्यों नहीं, चलो सब लोग मिलके खाना खा लो, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे और उसको ढूंढ कर वापस ले आएंगे। अच्छा पापा आप लोग कहते हैं तो मैं खाती हूँ। चलो तुम मेरे साथ साथ सिर्फ चलती रहो, हम मिलकर उसे ढूंढ ही निकालेंगे। ठीक है पापा मैं आपके साथ साथ चल रही हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा कैसे नहीं, जब हम लोग मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जरूर मिलेगा। हाँ पापा हम लोग तो उसको इतने टाइम से ढूंढ ही रहे हैं। हाँ बेटा यहाँ नहीं तो कहीं और से ही, हम लोग सब जगह ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा गोलू जरूर होगा। उसे कुछ नहीं हुआ है ये मैं जानता हूँ, ठीक है तुम परेशान मत हो, हम यहाँ नहीं तो एक दो जगह और जाके देख लेंगे। ठीक है पापा हम चलेंगे, आज उसको ढूंढ के ही रहेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हाँ बेटा चलते हैं। बहन जी क्या आपने किसी बिल्ली के बच्चे को देखा है? हाँ भाई साहब हमारे घर में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया हुआ है और बहुत दिन से है, हम हर एक से कह रही हूँ। हाँ हाँ ये सबसे कह रही हूँ लेकिन किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वो हमारे घर में पला हुआ बच्चा है, वो मेरा गोलू है। जी वो इसका गोलू है, उसका तो नाम भी रखा हुआ है इसने। अच्छा है तो बड़ा प्यारा बच्चा लेकिन किसी के सामने नहीं निकल के आ रहा, शायद बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। हाँ हाँ वो डरा हुआ होगा। अच्छा तुम परेशान मत हो। जी जी आप देख लीजिए, हो सकता है वो आपके ही घर का बच्चा हो। हाँ हाँ ज़रूर, आपके वहाँ से खोया है ना तो आप ही का होगा, जाके बेटा देखो उसे, अगर निकल आए तो निकाल कर ले जाओ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू आंटी। मैं तो जानती थी यहाँ ज़रूर मेरा गोलू होगा, कितना परेशान हो गया होगा अब तक ये। गोलू आओ बेटा बाहर आओ। म्याओ, म्याओ, म्याओ। मैंने सुना तुम किसी के लिए बाहर नहीं निकल के आ रहे, मेरा प्यारा गोलू। हम भी जानते थे कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, और अब चलो घर और ठीक से खाना खाओ, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ ने भी खाना नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। और गोलू अब कभी घर से बाहर ऐसे नहीं जाना। म्याओ, म्याओ। इसे क्या पता, ये क्या जानता होगा, ये तो खुद किसी मुसीबत में फंस गया होगा तभी तो इतने दिन से घर नहीं आ पाया, मेरा प्यारा गोलू। अच्छा अब चलो हम लोग घर चलेंगे और कभी इस तरह से बाहर नहीं आना। थैंक यू पापा, थैंक यू।